So good morning everyone, hope you all are doing fine and welcome back to the new vlog. My 11 vlogs complete ho chuke hain aur hopefully ye 12th vlog hamara. Guys, halke phulke pareshane wala mausam ho raha hai aur abhi subah ke baj chuke hain 11:30. Late utne ki to aadat si ho gayi hai, to 11:30 baj chuka hai abhi aur halke phulke ekdam rim jhim barish ho rahi hai. Dekhte hain aaj kya kar sakte hain. Barish aane wali hai. अभी के लिए तो फिलहाल मेरे को अपने डेली रूटीन के काम करना है. उठते हैं, ब्रश व्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे आज क्या कर सकते हैं. सो गाइस, मिलते हैं इस सब के बाद. एकदम मौसम की आवाज़ आ रही थी, मतलब बादलों की, बहुत तेज तेज से गरजने की. तो देखो बारिश हो चुकी है. करण और अर्जुन आ चुके हैं. देखो क्या करता है. अरे ब्रो गाइस, बारिश ने बहुत ही ज्यादा बुरा हाल करा हुआ है, मतलब लगातार बारिश है तो कहीं जा भी नहीं सकते, लेकिन इट्स काइंड ऑफ डेली व्लॉग तो फर्क भी नहीं पड़ता. तो अभी निकलते हैं और थोड़ा बाहर जाते हैं. करण लोग आ रहे हैं तो करण लोगों के साथ चलते हैं बाहर. और बाकी बारिश बहुत पड़ रही है तो निकल रहे हैं हम लोग, करण की गाड़ी में निकल रहे हैं. सो जहाँ पे जाते हैं मैं एज यूजुअल आपको दिखाता रहता हूँ. लेट्स गो. हार्ले की चाबी गाइस, मेरा पर्सनल फेवरेट है चिकन नूडल्स. भैया बना रहे हैं, भैया वहाँ व्हाइट सॉस पास्ता बना रहे रीज अवर अनदर डेस्टिनेशन जो कि है चाय सुट्टा बार. तो अभी यहाँ पर चाय कॉफ़ी जो भी हम पियेंगे उसके बाद चलते हैं. अभी तो शाम ही होगी. वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है चाय सुट्टा बार की, जो कि है यहाँ पर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के पास है. नंदा की चौकी कहते हैं गाइस, है ना गाइस, इसे नंदा की चौकी कहते हैं मेनली इस जगह को. और कॉफ़ी तो आपको पता ही है, चाय सुट्टा बार की बेस्ट रहती है. तो लेट्स हैव दिस, फिर चलते हैं घर. करण ने मुझे छोड़ दिया है और मैं यहाँ पर अपने स्ट्रीट के अंदर आ चुका हूँ. और जहाँ पर ये बाइक और स्कूटी है यहाँ पर कालू रहता है, लेकिन कालू आज नहीं है. सो सैड, आज हमें सुबह से कालू दिखाई नहीं. गाइस, बज चुका है शाम का 7:30, लाइक थोड़ी देर बाद रात ही हो जाएगी. तो मैं पहुँच चुका रूम पर और अब करते हैं डिनर बनाने की तैयारी. और डिनर बनाने के बाद, खाने के बाद मैं वापस आपसे बात करूँगा. थोड़ी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप थोड़े दिनों से लाइक कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि व्लॉगिंग थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है. लोग कहते हैं कि लाइक ये तो अपना ये सब दिखा रहा है, ही इज़ नॉट डूइंग प्रॉपरली ये वो. तो मैं आपको ये सब चीज़ें थोड़ी देर बाद क्लियर करूँगा, ठीक है गाइस.
सो आई एम बैक गाइस, डिनर वगैरह सब कर लिया है और मैं आपको लास्ट नोट पे ये बोल के गया था कि कुछ बातें करनी है. सो कुछ बातें ये हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जो जो मेरा चैनल लाइक डेढ़ साल दो साल पहले से फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मेरे को जानते हैं उन लोगों को ही पता होगी कि दो साल पहले मेरा चैनल कैसा ग्रो कर रहा था और मतलब कैसी रीच जा रही थी, मतलब इट वॉज गोइंग ऑसम. फिर अचानक से लॉकडाउन वाला ये सब सीन हुआ और आई वॉज नॉट सपोज टू गो आउट बिकॉज कोविड का सीन बहुत खतरनाक हो गया था और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा. तभी मेरे चैनल को बहुत बड़ा स्टॉप मिल गया. लेकिन जब कोविड वगैरह खुला तो मैंने एक रीस्टार्ट दिया अपने चैनल को और फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करना चालू किया. और व्लॉगिंग वगैरह चालू किया तो फिर से आई गॉट स्टार्टेड और अच्छे वाखा से व्यूज, मतलब नॉट दैट मच जितना पहले आता था लेकिन फिर भी कुछ बहुत रीच आने लगा. सॉरी आई एम वेरी स्ट्रेस्ड टू टेल ऑल दीज थिंग्स, लेकिन ये सब मेरे मन के अंदर है तो बोलना पड़ेगा. तो गाइस फिर रीच एकदम ख़त्म हो गई थी और वीडियोस मतलब बहुत महीनों पर एक वीडियो छोड़ने लगा था मैं. फिर मैं एक बार आई गेस नैनीताल घूमने गया था, जब भी मैंने दो तीन वीडियोस अपलोड की थी, और एक बार मसूरी गया था फिर एक वीडियो अपलोड करी थी और फिर एक चैनल को स्टॉप मिल गया अगेन लॉकडाउन एंड ऑल. लेकिन कुछ और भी कंडीशंस थी लॉकडाउन, तो मैं प्रोबेबली एकदम मतलब लॉकडाउन का ही नाम नहीं लूँगा, लेकिन और भी चीज़ें थी जो कि आपको ही पता है गाइस हर किसी की लाइफ में आ जाती है. तो ये सब हुआ तो चैनल एकदम ही मतलब मर जा गया. लेकिन रिसेंटली ऐसा हुआ कि मतलब आई स्टार्टेड वॉचिंग सम यूट्यूबर्स जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं. आई गॉट इंस्पायर विद देम. वन ऑफ देम इज पुनीत, हु रियली इंस्पायर्स मी फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. पुनीत मल्होत्रा व्लॉग्स गाइस, अगर आप उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो तो गो एंड सब्सक्राइब हिम ओवर देयर. और दैट पर्सन लाइक उसमें एक अलग ही एंथुजियाज्म है गाइस, वो एक्सप्लोर करता है जगह अलग अलग और उसको देख के मतलब मुझे ऐसा हुआ कि यार ही कैन डू इट सो व्हाई आई कांट डू दैट. ही इज़ आल्सो फ्रॉम देहरादून और उससे मेरी बात बात होती है तो एक्चुअली ही वाज देयर हु सपोर्टेड मी एंड सैड कि यार तुम तो बहुत अच्छा कर रहे थे यार चैनल में कि रोक दिया. सो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज अगेन. तो गाइस पहले ऐसा सीन था कि मैं ट्रैवल व्लॉग्स करता था और हफ्ते में एक वीडियो डालता था, लेकिन वो चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही थी क्योंकि डिसकंटिन्यूस हो जा रहा था चीज़, मतलब डिसकंटिन्यू हो जाती हैं गाइस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है और हमारे कुछ बहाने भी हो जाते हैं. सो मैंने कहा कि डेली व्लॉगिंग करते हैं और एक चैलेंज ले लेते हैं खुद से. अगर मैं वीडियो में बोलूँगा कि मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैं ऐसा बोलूँगा कि इतने दिन का चैलेंज लिया है तो डेट विल बी अ थिंग कि मैंने बोल रखा है पब्लिक से ऐसा, तो मुझे करना पड़ेगा. इसलिए मेरे को डेली व्लॉगिंग करने में मज़ा भी आने लगा है ये सब और मैं डेली व्लॉगिंग करते रहूँगा. सो डेली व्लॉगिंग का सीन यहाँ से स्टार्ट हुआ. अब जिसको लगता है कि यार ये तो ज़्यादा कुछ दिखाता नहीं है, ये फास्ट फूड खाता है, इधर उधर जाता है, बस यही दिखा रहा है. सो गाइस जिसको पसंद आता है देखते रहो और जिसको नहीं आता है पसंद वो मत देखो वीडियो और लाइक मत करो सब्सक्राइब, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तो डेली व्लॉग बनाऊँगा. सो गाइस जिसको पसंद आ रहे हैं वो लाइक कर दो और जिसको मेरा जो भी कंटेंट होता है जो भी कंटेंट लाइक मैं सिंचेन की वॉइस में निकाल सकता हूँ तू कैसी है वैपलू, लेकिन मैं ये करता नहीं हूँ, लेकिन फ्यूचर में आई विल डेफिनेटली ट्राई इट इन माय व्लॉग्स. सो गाइस बहुत सारा भाषण मैंने यहाँ पर बोल दिया है और तो डेली व्लॉगिंग में लगातार करने वाला हूँ. जिसको पसंद आ रहा है लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट्स बहुत कम आ रहे गाइस पहले से, तो कमेंट करो गाइस और मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल. अगर ये भी यहाँ तक आ चुके हैं अभी तक और आपको जो भी लगता है सजेशन कि रोहित को देना चाहिए कि ही शुड ट्राई दिस और ही शुड ट्राई दैट, प्लीज़ गिव द सजेशन ओवर हियर. बातें काफ़ी लंबी हो गई हैं लेकिन मेरे को किसी न किसी व्लॉग में तो करनी थी, चाहे व्लॉग लंबा हो कुछ हो, आपको देखना पसंद है मुझे या नहीं है, मुझे ये बात कहनी थी तो मैंने कह दी. सो गाइस टिल देन टेक केयर, बाय बाय. क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग ये मैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए कह रहा हूँ गाइस, जब तक नेक्स्ट व्लॉग आता है टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी इन नेक्स्ट व्लॉग एंड होप सो यू आर लाइकिंग माय वीडियो एंड मैं ऐसे ही करते रहूँगा. बाय बाय, टेक केयर, सी इन नेक्स्ट व्लॉग. भैया